बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। ये देखो, इन्हें देखो भाई साहब, ये देखो। क्यों लड़कियों को परेशान कर रहे हो यहाँ पे? What is up, this is Sarshan Mukesh, welcome back to a new video and I don't know meri awaaz aa rahi hogi nahi aa rahi hogi but today I am at Garam Dharam Mohan Nagar and yahan pe kuch kuch cheeze hone wali hai. Abhi I am waiting for Rahul bhai to come and there are few more other people coming up from team, so unka kuch kuch wait kiya ja raha hai yahan pe for some reason. Kya yahan dekho gaane chal rahe hain, copyright aa sakta hai, to jo bhi editor hai bhai sahab gaane zara thoda tareeke se dalna. Ha to Arun, kaisa raha aapka safar aane ke liye? बहस हो गई, एक पैर पे पास में बात। किससे बहस करके आए हो भैया? बहस करके आ रहे। किससे बहस करी? कोई गाड़ी वाला था, उस बंदे की गलती थी। अच्छा, उसको हॉर्न बार बार दिए जा रहे थे, वो बंदा अपनी कार नहीं हटा रहा था, वो गाजियाबाद वाली जो टशन होती है ना। अच्छा, वो वाली गलती से मेरे से माइक छोड़ के, तो सौरभ देना है। सौरभ देने आया है कहाँ पे? कोई काम तुम लोग ढंग से कर सकते हो? कोई काम अगर बोले हमारे कैमरा पर्सन ढंग से कर सके। दोस्ती है ना, दोस्ती नहीं, गलती इसकी नहीं। एक्चुअली नवीन सर है ना हमारे, नवीन सर के ट्रेनीज हैं सारे। तो आज कुछ धमाकेदार से शूट करने वाले हम लोग यहाँ पे। पिया वैसे बोल रही थी यहाँ पे आके ना खाने की याद आ गई, खाना खाने का मन कर रहा है। और जो कि ट्रीट आज देगा साहिल। पिया को वैसे किसी ने गलत नहीं बताई कि गरम धर्म लड़की हम लड़कियों को ही करेंगे भाई। पिया का सीन ये है बेसिकली, पिया के बोले कि खाने पीने का क्या सीन है, मतलब खाना यहाँ का। पिया को किसी ने बताया था कि अच्छा नहीं होता है, ठीक है। पर गरम धर्म का मैं पर्सनली बोलूँ, मेरे बर्थडे वाला ब्लॉग जिन्होंने देखा होगा, मैं गरम धर्म आया था रात में, आए केक काटा, 100 रुपये दिया, चले गए। चलो, लॉकडाउन भी था। अच्छा लॉकडाउन था, लॉकडाउन में पर एक खुला हुआ था, लॉकडाउन टाइम आए थे। ठीक है अरुण, अपना 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 सुन सुन सुन। तो गाइस ये देखो, ये जो है ना, इससे हमें युहान की याद आती है, ठीक है। स्पेशली मेड बाय युहान एंड स्पेशली मेड फॉर अरुण। सो हियर वी हैव ऑर्डर्ड पराठा। लोग पिया चौधरी को बहुत डाइट कॉन्शियस समझते हैं, ये देखो इतना मक्खन खा रही है पराठे पे डाल के, सुबह सुबह चावल भी खाई गई है। सो दिस इज आवर होत कूफी एंड दिस इज ओनली प्राइस फॉर ₹67। बाहर 10 रुपये की मिलती है ये, ठीक है। कैसा पिया पराठा, यू लाइक द फूड? तो जो मोहन नगर के बारे में तुमने गलत सुना था कि गर्म धर्म में खाना अच्छा नहीं मिलता, क्या वो सही साबित हुआ या गलत? गलत। आई सेड ना द फूड इज़ गुड। ये जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, और ये युहान है, ये युहान है, और ये मक्खन लगा रहा है। तो भाई दिक्कत ये है, देखो यहाँ पे 11 Pro गिफ्ट हो रहा है, ठीक है। 11 Pro किसका गिफ्ट हो रहा है इसका देखिए, एक मैं पॉज करी भाई। अभी नहीं भाई, ये देखिए इसकी शक्ल देखो, ये कितना मतलब पहले से कितना हेल्दी हो गया है, दिखा राहुल। ऐसा क्यों राहुल, क्या क्या चल रहा है, सीक्रेट राज क्या? मैं भी चाहता हूँ कि मैं साहिल जैसा सुंदर दिखूँ। साहिल जैसा सुंदर? हाँ भाई। या तो आप साहिल से बेहतर दिख सकते हो, या फिर साहिल से और ज़्यादा बेहतर दिख सकते हो। साहिल जैसे कभी नहीं दिख सकते। जैसे ही दिखना भाई, जैसा तो होता ही नहीं भाई। नहीं है क्या तो मेरा? नहीं भाई, बेशक नाम एक कोक के, पर आज भी हमारे चर्चे से सही है ना। शर्मा जी, क्यों लड़कियों को परेशान कर रहे हो यहाँ पे आप? और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ये टक्सीडो है और शर्ट का इंतजाम देख रहे हैं अभी, ठीक है। ये टैक्सी है? ये टक्सीडो है, वेटर प्रैंक के लिए अरेंज करवाया मैंने। तब शर्मा जी बनेंगे वेटर। नवीन अगर यहाँ पे होता तो नवीन को अगर तुम ऑप्शन देते ना कि मुझे कुछ खाना है, तो नवीन बोलता मेरे को क्या खाना है, पकौड़े पकौड़े। कल ना बेसिकली पिया ने मुझे एक बात बोली, पिया ने ये बोला था, कल पानी की बोतल के ऊपर क्या बोल रही थी, 50 रुपये का पानी मीठा नहीं होता, 70 रुपये वाले पानी के अंदर टेस्ट होता है, क्योंकि उसमें 20 रुपये की चीनी डली होती है और उसकी बोतल बहुत नई सी होती है। नहीं, ये सब हर कोई बता देगा। वो बिस्लेंडी की जो बोतल आती है वो पानी मीठा होता है। 25 लीटर की बोतल आती है जो हम घर में पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज ये गरीब लोग हैं, इनके पास आरओ नहीं है। हाँ, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास आरओ नहीं है, तो हमारे यहाँ पे बिस्लरी की बॉटल आती है, वो 70 रुपीज़ की आती है, 10 रुपीज़ वो डिलीवरी चार्जेस लेता है। तो वो सेइंग कि उसका पानी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है इन कंपैरिजन ऑफ दैट बॉटल जो हमारे ऑफिस में आती है। तो भैया जो बाहर से लोकल बोतलें मंगवाते हैं, तो आज से आपको पिया चौधरी के कहने पर बाहर से मंगवानी है, बाहर से मंगवानी है 70 रुपये वाली बोतल विद 10 रुपये डिलीवरी चार्ज, क्योंकि उसका पानी होता है बहुत ज़्यादा मीठा। भाई दिखा देना एक बार, तेरा चमका तो दे से थोड़ा सा भाई, चमकाना। ओए 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 ओए, थोड़ा एप्पल लोगो तो दिखा दे, एप्पल लोगो तो दिखा दे। वो क्या कर रहा हूं भाई, देख ले भाई, ऐसे दिख नहीं रहा भी एप्पल लोगो इनका, ऐसे करके दे, ऐसे देखे ऐसे। यार साहिल जी भी मेरे फेस पे, ये कुछ यहां इधर देखिए, ब्लैक सर्कल लगे कुछ, देखो इधर भी, इधर देखो देखो, कुछ लग रहा है पीछे, लग रहा है कुछ। बलोंडी को बहुत-बहुत मुबारकबाद यार, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस आईफोन 11 प्रो।
आई लाइक द कलर एंड द साइज ऑफ द फोन बाय द वे भाई ये सब ले यही लेंगे चार पांच नहीं मैंने एग्जैक्टली मैं जब 12 लेने की सोच रहा था ना मैंने यही सोची थी ये लेने भाई ये हेडसेट आई जस्ट वांट टू बी स्टक विद अ सिंगल पर्सन दैट्स इट तो बेसिकली एरिया काफी बड़ा है यहां पे देखोगे ना यहां से लेके वो वहां बाहर तक पूरा एरिया वाइड एंगल में आप लोग को दिख रहा होगा एरिया कितना बड़ा है कितना यहां से देखो ये भी यहाँ पे मतलब थोड़ा अंधेरा सा है बाहर का एरिया मैं भी बाद में कवर करके दिखाऊंगा आप लोग को पर हम लोग अभी यहाँ पे फिलहाल एक शूट कर रहे थे दो ही जगह पे लोग शूट कर रहे थे बेसिकली मेरे चैनल की और यहाँ पे साथ दिया हमारा अमित भाई ने अमित भाई राम राम ठीक है तो अमित भाई है अमित भाई का इंस्टाग्राम यहाँ पे दे दूंगा अमित भाई को जाकर फॉलो जरूर से कर लेना ठीक है और कुछ भाइयों ने यहाँ पे गरम धर्म की टीम ने बहुत साथ दिया अभी एक छोटा सा मजाक शूट कर रहे थे एक भाई के साथ हम लोग ठीक है वो लड़का भी अभी यहीं कहीं का होगा ठीक है तो इसी के साथ अमित भाई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा मैं नहीं पूरा डिस्टर्ब कर दिया नहीं लग रहा है पूरा ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली अभी हम लोग शूट कर रहे थे ये जगह पे यहाँ पे कुछ बहुत तरीके वाला शूट किया जाके देखना बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो है क्यों भाई ठीक है और एक लिंक मैं नीचे दे दूंगा बेसिकली अमित भाई का एक गाना आया था ठीक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको जाके जरूर से देख लेना क्योंकि बहुत मेहनत करी भाई आए थे मेरे पास बोल रहे थे उस टाइम पे यार थोड़ा सा गाने पे मेहनत करी और दिल से कुछ करा है तो उसके लिए थोड़ा अपन कुछ कर सके तो आपको बोल रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जाके गाने को जरूर से देखना और इनका इंस्टाग्राम आई डी जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं भाई सपोर्ट करो ठीक है चलो फिर बाय बहुत ही रैश ड्राइव करता है कसम से मतलब बाइक गिराने में एक्सपर्ट बनता है ये बाइक गिरानी हो बाइक की ऐसी तैसी करवानी हो इससे बात करो तो गाइस अब ये राइड करने वाला है पहले मैंने राइड करी थी ये हमारे रश ड्राइवर है बहुत तगड़े रश ड्राइवर हमारे THF के द क्रिएटर्स ऑफ रश ड्राइवर रश 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 हाँ भैया क्या हुआ ये राइड करते हैं तो मैं अब इस तरीके से देखो मैं बुलेट राइड करता हूँ ठीक है अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ ऑफिस और ये है हमारे अभिषेक भाई की मारुति सुजुकी सिलेरियो गाड़ी मैनुअल है मैनुअल गाड़ी आप लोगों को पता है मैं इतनी चलाता नहीं हूँ आप लोगों को भी गाड़ी जो है ना थोड़ी संभल के चलानी चाहिए थोड़ी तरीके से चलानी चाहिए जस्ट बिकॉज हादसा कभी भी किसी के साथ कहीं पर भी हो सकता है एंड मूड के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए डेली ड्राइविंग रैश ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं होती अगर रफ भी चला रहे हो तो थोड़ा रफ देख के चलाओ लिमिट्स में चलाओ बट मैनुअल कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ा सा फन चाहिए ऑफ रोडिंग करनी है आपको गाड़ियों से या फिर आप लोगों को थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं पिकअप और रफ चीज़ों के शौकीन हो तो हाँ दिस गाड़ी इज़ फॉर यू मैनुअल ट्रांसमिशन की कार लीजिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये देखो इन्हें देखो भाई साहब ये देखो अगर ऐसों पे ध्यान ना दिया जाए तो कसम से गाड़ी इंसान की ठोकी जाए और गलती निकाली जाती है सिर्फ गाड़ी वाले की जितना बड़ा वाहन उतनी उसकी गलती मैं हमेशा रफ ड्राइविंग नहीं करता कभी कभार जब मेरा मूड होता है तब मैं रफ ड्राइविंग करता हूँ मैं मानता हूँ मैं रफ ड्राइव करता हूँ ठीक है क्योंकि मेरे को ड्रिफ्टिंग का बहुत शौक है ड्रिफ्ट बहुत करिए मैंने तो सुबह आज के शूट हो चुके हैं कंप्लीट एंड आई एम एट ऑफिस अभी और शाम के बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 7:45 ठीक है सो 7:45 बजने के साथ साथ आज का दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग था लिटरली बहुत ज़्यादा टायरिंग था कुछ क्लिप्स हमने शूट करी थी वहाँ पे बीच बीच में आपको दिख जाएंगी ठीक है अब बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं डेली व्लॉग्स क्यों नहीं कर रहा था सो दे वॉज द रीज़न ऑफ नॉट डूइंग डेली व्लॉग्स बिकॉज पूरे बिना पार ठीक है सो देर इज वॉज द रीज़न ऑफ नॉट डूइंग डेली व्लॉग्स जस्ट बिकॉज मेरे को उतना वक्त ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं डेली व्लॉग्स कंटिन्यू करता हूँ बट
अब से मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ मैं डेली ब्लॉग्स कंटिन्यू करूँगा, तो अगर तक अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिए द ऑफिशियल पर्सनालिटी एंड साहिल शर्मा भी, क्योंकि साहिल शर्मा के लिए मैंने एक शूट किया, बहुत ही ज़बरदस्त शूट हुआ है, ठीक है, जाके वीडियो देख लेना। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, भूख भी लग रही है अभी मुझे इस टाइम पर, क्योंकि पूरा दिन हम लोग की लाइफ ऐसी हो जाती है कि कभी कभार जब शूट्स हम लोग कर रहे होते हैं तो खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं, तो इसी के लिए यार एक लाइक ज़रूर दे देना, ठीक है, एंड टू कमेंट ऑन द वीडियो, और जल्दी मिलते हैं। मेरी गाड़ी वैसे भी ख़राब हो रही है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैंने शायद अभी तक वो ब्लॉग डाला ही नहीं है, ठीक है, तो शायद पहले वो वाला ब्लॉग आएगा। तो मेरी गाड़ी ना वैसे बेसिकली ख़राब हो रही है, तो गाड़ी ख़राब होने की वजह से मैं आजकल थोड़ा सा दिक्कत में चल रहा हूँ, बट अभी जल्दी से नई गाड़ी आने वाली है, तो उसके लिए भी स्ट्यून रहना। तब तक के लिए ऐसे देखते रहो मेरे चैनल द ऑफिशियल पर्सनालिटी एंड आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। गो बैक।